गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एक्सक्यूज मी प्लीज, और मैं हूँ कृति। आज हूँ काजीरंगा में और आपको लेकर जा रही हूँ काजीरंगा का नेशनल ऑर्किड पार्क, जहाँ शाम में होता है काफी प्यारा ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का कल्चरल प्रोग्राम, जहाँ आपको कई सारे डांस फॉर्म्स देखने को मिलते हैं। तो मैं अंधेरे में चली आई हूँ काजीरंगा के ऑर्किड सेंटर पर। एक्चुअली हम लोग पैदल आ रहे थे क्योंकि हमारा रिजॉर्ट बिल्कुल सामने ही था, जस्ट विद इन 400 मीटर्स। तो हम पैदल आ रहे थे बट काफ़ी अंधेरा था और काफ़ी डर भी लग रहा था। और उसी बीच हमें काफ़ी सारे फायर फ्लाइज यानी कि जुगनू देखने को मिले रास्ते में। सो इट वॉज़ अ नाइस एक्सपीरियंस। फाइनली हम वहाँ के गेट तक पहुँचे, टिकट लिया, विच वॉज अ बिट कॉस्टली मुझे लगा, 400 रुपीज़। बट आफ्टर एक्सपीरियंसिंग दिस गाइस, जी हाँ, और इस एक्सपीरियंस के लिए आपको ये वीडियो फुल देखनी होगी। मैंने सारे डांस फॉर्म्स को फुली कैप्चर किया है, तो ये आपके लिए एक वर्चुअल एक्सपीरियंस हो सकता है अगर आप इस वीडियो को फुल देखो। प्लस आपको ये भी रियलाइज़ होगा कि ये 400 रुपये फुल्ली जस्टिफाई होते हैं जितनी सारी इंटरटेनमेंट और जानकारी और डांस फॉर्म्स ये लोग दिखाते हैं। प्लस हमने वहाँ पर कुछ स्नैक्स सॉर्ट ऑफ भी खाया। वहाँ पर एक काफ़ी अच्छा ओपन रेस्टोरेंट में बोल सकती हूँ या काउंटर बोल सकती हूँ, जहाँ पर काफ़ी फास्ट सर्विस थे गाइस। तो हमने यहाँ से मोमो एंड बेबी कॉर्न चिली खाया एंड उसके बाद यहाँ के म्यूज़िकल इवनिंग को एंजॉय किया, जो कि बिल्कुल झटपट शुरू होने वाला है। तो चलिए मेरे साथ और मेरी तरह आप भी इस इवनिंग का लुत्फ उठाइए। कैसे हैं, सब ठीक ठाक है? तो आप सभी को नमस्ते, सुबह संध्या, आप सभी को प्रणाम। हमारा ये कार्यक्रम ऑर्किड एंड बायोडायवर्सिटी पार्क की तरफ से और हमारा ये किसान संगठन की तरफ से आप सभी को प्रणाम। और आज का सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू करने को प्रयास कर रहे हैं। पर्यटकों, हम पहले पेश करने जा रहे हैं असम का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का समाहार झंकार। आप लोग जानते ही हैं कि असम पे बहुत सारे अलग अलग जाति जनजाति के लोग बसोबस करते हैं, जैसे बोरो, कार्बी, मिसिंग, तिवा, हाजोंग, राभा, डिमासा, देवरी, लालुंग, सोटिया, ठेंगाल, एक्सेट्रा। और सभी के अलग अलग संस्कृति होते हैं, सभी के अलग अलग संगीत होते हैं, सभी के अलग अलग वाद्य यंत्र होते हैं। सभी का संगीत को, सभी का वाद्य यंत्र को एकत्रित करना प्रत्येक को नामुमकिन है, असंभव है। फिर भी प्रयास करते हैं असम का कोई कोई जनजातियों का संगीत को, सुर को, ताल को, वाद्य यंत्र को एकत्रित करके हम लेके आ रहे हैं झंकार के रूप में। वैसे किसी प्रकार को असम का फोक एंड क्लासिकल म्यूजिक का समाहार झंकार। झंकार, थैंक यू। Thank you.
Thank you.
थैंक यू बहुत बधाई हो प्रीतिका। आप लोग ये तालियों से हमारे आर्टिस्ट लोगों का थोड़ा सा एनर्जी बढ़ेगा, इसीलिए बार बार बोलेंगे तालियां बुरा तो नहीं बनेंगे, बुरा बोलेंगे क्या? तो फिर से एक तालियां जोरदार। धन्यवाद, थैंक यू। तो हम पेश करते हैं मृतको आसम का एक बहुत ही फेमस सेमी क्लासिकल डांस, ये है भूटान नृत्य। ये भूटान नृत्य सृष्टि हुआ था आसम का बरबदा जिला में, बरबदा सत्र में, और सृष्टि किया था एक महान कलाकार, महान गुरु नरहरि बुढ़ा भगत जी ने। इसीलिए भूटान नृत्य बोलते हैं क्योंकि मेडियन से इसका सिंबल यानी कि ताल हाथ में लेके आर्टिस्ट लोग घुमा घुमा के डांस करते हैं। तो इसलिए आप लोग बोल सकते हैं आसम इसमें भूटान नृत्य, और अंग्रेजी में बोल सकते हैं सिंबल डांस। ऐसे कीजिए भूटान नृत्य। थैंक यू। हर Thank you.
Oh,
कैसा लगा सब, कैसा लगा बागर मनांस? थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद कृत को। तो हम पेश करने जा रहे हैं दूसरा ट्रेडिशनल फोक डांस, ये है हमजर डांस। ये हमजर डांस असम का जो रावण ट्रिप्स के लोग हैं और लोग का बहुत ही फेमस डांस है। और रावण लोग ये डांस करते हैं खेती बाड़ी का समय पे, जब पहर में वो लोग अधिक कष्ट करके मेहनत करके खेती बाड़ी करते हैं, अर्थात राइस का खत करते हैं, चावल का खत करते हैं, बहुत ही कष्ट उठाना पड़ता है, फिर भी वो लोग अति आनंद होकर डांस करते हैं। तो इसीलिए आप लोग बोल सकते हैं हम जब कह रहे हैं कि मेहनत के साथ साथ थोड़ा सा आनंद, थोड़ा सा एंजॉय। वैसे कीजिए राभा हमजर डांस, अर्थात खेती बाड़ी का डांस। थैंक यू। Oh,
जानते ही हैं कि असम का क्लासिकल डांस क्या होता है, सत्रीय नृत्य, और उसी का एक मुख्य नृत्य हम दिखाने जा रहे हैं, वो है मातियाखरा नृत्य। इसीलिए मातियाखरा नृत्य सत्रीय का मुख्य नृत्य है, क्योंकि सत्रीय नृत्य का दूसरा डांस सीखने से पहले गुरु शिष्य को मातियाखरा सिखाना ही पड़ता है, उसके बाद ही दूसरा डांस सिखा सकते हैं। मातियाखरा का मतलब है मिट्टी पे जमीन पे जो अखर करते हैं, व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, वही है मातियाखरा। जैसे भारत नाट्यम, मणिपुरी नृत्यम, कथक नृत्यम, ओडिशी नृत्यम, कुचिपुरी नृत्य, वैसे ही असम का ध्रुपदी नृत्य है सत्रीय नृत्य, और उसी का मुख्यांग नृत्य है मातियाखरा नृत्य। असम का महापुरुष परम गुरु श्रीमंत शंकरदेव जी ने 500 साल पहले ही यह सत्रीय संगीत का सृष्टि किया था, गीत नृत्य वाद्य का सृष्टि किया था, भावना सृष्टि किया था, असम में ड्रामा भक्ति मूलक ड्रामा सृष्टि किया था, और उन्होंने पहले असम में नव वैष्णव धर्म का भी आंदोलन भी किया था। तो इसलिए उनको हम गुरु मानते हैं, सभी पूरा जितना असमवासी है सभी पहले श्रीमंत शंकरदेव जी को गुरु मानते हैं, उसके बाद श्री श्री महादेव जी को गुरु मानते हैं। तो हम दिखाने जा रहे हैं मृतकों सत्रीय नृत्य का मैखंग नृत्य मातियाखरा नृत्य, और आर्टिस्ट है केशव मोरंग फ्रॉम गोलाघाट। थैंक यू। Hey, 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 hey
Thank you.
चलो दिख दिख धैया पिता पिता धैया पिता पिता धैया फिर धै दाओ क्योंकि प्लेट अथवा थाली हाथ लेकर आर्टिस्ट लोग घुमा घुमा के डांस करते हैं। प्रेजेंट कीजिए दीवा खम्स नसवर डांस। थैंक यू।
कैसा लगा, सब कैसा लगा तेरा डांस? तालियां सुनकर थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद बृंदा को। और जैसे हमारे आर्टिस्ट लोग हाथ में थाली लेके प्लेट लेके डांस किया, आप लोग भी थोड़ा सा ट्राई करना चाहते हैं क्या, प्रैक्टिस करना चाहते हैं क्या? आप लोग जरूर कर सकते हैं, क्यों नहीं, सब लोग कर सकते हैं। बहुत ही इजी डांस, इतना कठिन नहीं है, आप लोग भी कर सकते हैं। आप लोग अभी अगर नहीं आएंगे तो मंच पे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग अपना अपना घर पे जब जाएंगे अपना अपना थाली लेके जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, लेकिन खाना खाने के बाद नहीं, पहले खाना खाने से पहले भी कर सकते हैं, बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि खाना अगर होगा तो भारी हो जाएगा, तो गिर जाएगा, है कि नहीं? तो आप लोग कर सकते हैं, बहुत इजी डांस है, कठिन नहीं है, सब लोग कर सकते हैं, हाथ का टेक्निक है। थैंक यू, तो फिर से तालियां जोरदार। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन लोग बहुत ज्यादा है, तालियां बहुत कम है, फिर एक एनर्जी के लिए, आर्टिस्ट का एनर्जी के लिए तालियां, ऐसा होना चाहिए, हिंदुस्तानी तालियां। थैंक यू तो पर्यटक पेश करने जा रहे हैं असम का एक बहुत ही फेमस सेमी क्लासिकल डांस फिर से, वो है अति भयानक नृत्य, लोग जो मानते हैं वो है देवधनी नृत्य। ये देवधनी नृत्य बहुत ही भयानक नृत्य लोग मानते हैं, और साथ में बहुत ही भक्ति मार्ग का भी नृत्य मानते हैं। और भयानक नृत्य इसीलिए मान सकते हैं क्योंकि मनसा देवी अति क्रोधित होके आकाश में जाके हवा पे अपना बाल खोल के घुमा घुमा के डांस करती थी, तो इसीलिए आप लोग बोल सकते हैं अति भयानक नृत्य। लेकिन पर्यटकों, भयानक के साथ साथ ये बहुत ही एक भक्तिमत का नृत्य इसलिए है क्योंकि ये देव देवता का नृत्य है, स्वर्ग का नृत्य है, गंधर्व का नृत्य है, इसलिए आप लोग भयानक के साथ साथ थोड़ा सा भक्तिमत का भी नृत्य मान सकते हैं। वैसे कीजिए पर्यटकों, देवध्वनि नृत्य। थैंक यू।
बढ़ते कौन आप डर गए थे क्या? थोड़ा थोड़ा लेकिन डरना मना है और डर के आगे जो डरेगा वो तो गया कि नहीं। इसीलिए कभी नहीं डरने का है और किसी को नहीं डरने का है। लेकिन हम किसको डरना पड़ेगा? मालिक को तो हम डर नहीं पड़ेगा। वो कौन सा मालिक है? होटल का मालिक है क्या? सबका मालिक जो एक है उनको हम डर नहीं पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा? दुनिया सिस्टम पे नहीं रहेगा, मानव जाति के लिए समस्या होगा, है कि नहीं? तो फिर से तालियां जोरदार। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद मृतकों। तो हम पेश करने जा रहे हैं मृतकों दूसरा ट्रेडिशनल फोक डांस। ये है असम का मिसिंग फर्स्ट मॉस डांस, मिसिंग धोने गिना डांस। मिसिंग लोग हमारे असम का दीदिया बारह सजनाती है अर्थात सकल राजस्व आसाम। वो लोग नदियों के किनारे बसोबस करते हैं। मिसिंग लोगों का तो त्योहार होता है, तो फेस्टिवल होता है आर्य रिगंग और पराग। और कई से मिसिंग ट्राइब्स का लोग उन लोगों का जो विवाह है जो शादी में कैसे एंजॉय करके डांस करते हैं वही तरह से आप लोगों को महसूस होगा हमारे नृत्य के जरिए। कीजिए असम का सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब मिसिंग ट्राइब्स मॉस डांस, मिसिंग धोने गिना डांस। थैंक यू।
So support sa nagawa na the missing persons. Tabi sa dar. Thank you, बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति को. तो हम पेश करते हैं फिर से बहुत फेमस फोक डांस असम का ये कार्बी बैंगो डांस लेंकुम सक्सन. कार्बी लोग हमारे असम का प्राचीनतम जनजाति है, पुराने जनजाति है. ये लोग पहाड़ में बसवास करते हैं. और कैसे कार्बी लोग प्रीति को पहाड़ में खेतबारी करने के बाद धान से चावल निकालते हैं, राइस पीसिंग करते हैं, वही दृश्य आप लोगों को महसूस होगा, अनुभव होगा हमारे डांस के जरिए. वैसे कीजिए कार्बी क्रिसमस डांस, कार्बी बैंगो डांस. थैंक यू. ट्राई करेंगे क्या जैसे बैंगो डांस किया हमारे आर्टिस्ट लोग, आप लोग भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. बहुत ही इजी डांस, इतना कठिन नहीं है, आप लोग कर सकते हैं. लेकिन करने के लिए पहले सीखना पड़ेगा, ट्रेनिंग करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोग करने से अच्छा होगा. क्योंकि नहीं तो क्या होगा, सब लग सकते हैं फिर में.
तो कैसे आप लोग ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस कैसे करेंगे? आप लोगों को मैं सिखाता हूँ, आप लोग सीखेंगे क्या? आप लोग बहुत ही इजी ढंग से, इतना कठिन नहीं है, आप लोग कर सकते हैं। मेरे को देखिए, अगर आप लोग सीखना है मैं आप लोग को सिखाता हूँ, दो मिनट में आप लोग सीख जाएंगे। वो ये डांस सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले काउंटिंग करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा। तो वो कैसे, मेरे को देखिए ऐसे, वन वन टू टू, वन वन टू टू, वन वन टू टू, वन वन टू टू, ओनली फोर टाइम्स। फिर सेंस होगा, फिर से वन वन टू टू होगा, और वन वन का मतलब है अंदर अंदर, टू टू का मतलब है बाहर बाहर। ये देखिए, अंदर अंदर बाहर बाहर, अंदर अंदर बाहर बाहर, अंदर अंदर बाहर बाहर, अंदर अंदर बाहर बाहर। फिर सेंस होगा, फिर से अंदर अंदर बाहर बाहर होगा, लेकिन पहले धीरे धीरे करना पड़ेगा, लास्ट टाइम पे स्पीड करना पड़ेगा, यानी कि स्पीड होगा। तो सब लोग सीख गए मेमो डांस, ऐसे खुशी में एक ताली होना चाहिए, जोरदार। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग घर पे जाकर जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत इजी डांस है, इतना कठिन नहीं है, सब लोग कर सकते हैं। तो परंतु हम पेश के लिए जा रहे हैं हमारा आज का लास्ट डांस, सबसे प्यारा सा डांस, यूनिवर्सल कहीं नहीं, पूरा नॉर्थ ईस्ट का सबसे प्यारा सा डांस, सबसे फेमस फोक डांस, ये है बिहू डांस। थैंक यू, आप लोग सब लोग जानते हैं, और बिहू फोक डांस है, वो नॉट क्लासिकल डांस नहीं है, बिहू फोक है। और बिहू का मतलब है, बिहू में जो गाना गाते हैं, बिहू डांस करते हैं, लव डांस, एक्चुअली वो लव डांस, प्रेम मूलक डांस है, प्रेम संगीत, लव संगीत गाते हैं बिहू में। और ये अलग अलग जो प्यार होता है, लव होता है, जैसे प्रकृति के बारे में, जो सूर्य के बारे में, नदी के बारे में, पवन के बारे में, हवा के बारे में, वो आप लोग बोल सकते हैं। और सभी प्रेम मूलक ये गीते गाते हैं बिहू में, कोई धर्म का बात नहीं आता, तो इसीलिए बिहू में सब लोग आके एंजॉय कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, साथ में डांस कर सकते हैं। लेकिन बिहू डांस होने से पहले हम थोड़ा सा आप लोगों को बताने जा रहे हैं हमारा ये ऑर्किड पार्क क्या है। ये है कर्जवा नेशनल ऑर्किड एंड बायोडायवर्सिटी पार्क है। हर रोज मॉर्निंग 8 बजे से लेके इवनिंग 5 बजे खुला रहता है। बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अगर आप लोग दिन में दर्शन के लिए आएंगे तो महसूस होगा एक छोटा सा आसम, पूरा आसम नहीं कम से होगा प्रत्येक, यही एक छोटा सा आसम है। तो क्या नहीं है, सब कुछ है, क्या क्या है, कम से कम 21 पॉइंट्स है। पहले आप लोग आएंगे तो देखेंगे ऑर्किडोरियम, ऑर्किड हाउस, उसमें बहुत ही ऑर्किडें हैं, अलग अलग विश्व का सबसे छोटा बड़ा ऑर्किड देखने को मिलेगा। इसके बाद देखेंगे बड़ा सा एक म्यूजियम, उसमें बहुत ही अलग अलग असम का जनजाति का पुराने चीजें हैं, प्राचीनतम चीजें हैं, अहोम किंगडम का पुराने चीजें हैं, राजा महाराजा का जमाने का पुराने चीजें हैं। और ऊपर एक तो देखेंगे और भी एक बड़ा सा म्यूजियम, उसमें बहुत ही अलग अलग वाद्य यंत्र है, फोक इंस्ट्रूमेंट है, क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट है। और उधर आप लोगों को सिखाने के लिए मास्टर भी रहेगा, टीचर भी रहेगा, आप लोगों को सिखाएंगे। और ऊपर एक तो देखेंगे उस तरफ अपेट पार्क है, पहाड़ है, उधर भी बहुत अर्किदे है। और उस तरफ है बोटिंग, ट्रेडिशनल बोटिंग कर सकते हैं आप लोग। उस तरफ है रॉक गार्डन, पत्थर का बगीचा, पत्थर का गुफा भी है, लेकिन गुफा में आप लोग घुसिएगा मत क्योंकि गुफा में बहुत ही जहरीली सांप भी है। और उस तरफ है कैक्टस हाउस, रेगिस्तान कैक्टस हाउस। और उस तरफ है जड़ी बूटियों का बगान, नर्चर हार्डविल्सन गार्डन। और उस तरफ है गुरखा नेपाली म्यूजियम, मैंगो गार्डन, नर्चरी सिल्डन पार्क, सब्जी का बगान, तुलसी का बगान, राइस रूम, ट्री हाउस। और उस तरफ एक रेस्टोरेंट भी है, असमी थाली यानी कि भेज थाली, बाहुबल थाली मिलता है, कम से कम 20 आइटम के साथ, और नॉनवेज भी ऑर्डर कर सकते हैं। और इधर हमारा पूरा दिन भर कार्यक्रम होता ही रहता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अगर हम लोग दिन में दर्शन के लिए आएंगे तो महसूस होगा एक छोटा सा आसाम। लेकिन परंतु हमारे यहाँ ऑर्किड पर कोई सरकार से नहीं है, कोई गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं, सरकार से कोई मतलब नहीं है, और मालिक भी नहीं है, तो किसका है ऑर्किड पार्क? यह है एक किसान संगठन का ऑर्किड पार्क है, जिस संगठन का नाम है कृषक मुक्ति संग्राम समिति असम। आप लोग अपना गूगल पे सर्च कर सकते हैं, हमारा लक्ष्य उद्देश्य क्या है। और हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी के जरिए चलते हैं, समवाय समिति है, और मकसद है, मुख्य उद्देश्य है
अर्किड के साथ साथ असम का संस्कृति को, असम का संगीत को, फोकन क्लासिकल म्यूजिक को, फोकन क्लासिकल डांस को कैसे हम दुनिया में प्रसार कर सके और कैसे हम जीवित रख सके, यही हमारा एक छोटा सा मकसद है। लेकिन अगर आप लोग आशीर्वाद नहीं करके बोले तो कौन कभी कभी भी हासिल नहीं कर पाएंगे, सक्सेस नहीं हो सकते, सफल नहीं हो सकते। अगर आप लोग आशीर्वाद कर रहे हैं तो फिर से तालियां जोरदार, थैंक यू बर्तनो। तो आप लोग आशीर्वाद कर रहे हैं, जरूर हम सक्सेस होंगे, सफल होंगे। तो ऐसे कीजिए बर्तनो, हमारा लास्ट डांस सबसे प्यारा सा डांस बिहू डांस, थैंक यू।
सांस्कृतिक कार्यक्रम इधर ही समाप्त हो रहा है। आप सभी कृतज्ञों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि कोटि कोटि प्रणाम, क्योंकि आप लोगों ने इतना दूर से इंडिया ही नहीं पूरा वर्ल्ड का अलग अलग जगह से आप लोग आके इतना मेहनत करके आके हमारे असम का प्रयोग संस्कृति को देखने के लिए हम लोग आए हैं, तो आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। तो इसी के साथ से हमारा संस्कृति कार्यक्रम समाप्त हो रहा है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को शुभरात्रि, जय हो। फोटो के साथ आ सकते हैं, लेकिन प्लीज रोटा खुल के आइएगा। थैंक यू।